हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोबाइट। तो आज के हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। वी विल डिस्कस कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज अ वैल्यू प्रोवाइडेड इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन दैट इज ऑटोमेटिकली असाइंड बाय द कंपाइलर इफ द कॉलर ऑफ द फंक्शन डजंट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर द ऑगमेंट विद अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या होता है, जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जब कोई भी फंक्शन आप डिक्लेयर करते हो, तो आप उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यूज आपको मीन्स ऐसे कुछ पैरामीटर्स आपको पास करने होते हैं जिनकी वैल्यू आप डिफॉल्ट रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। तो मैं उसमें पैरामीटर्स पास करूंगी, प्रिंसिपल, फिर रेट एंड टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने टाइम को डिफॉल्ट बना दिया कि अगर जैसे यूजर टाइम नहीं देता है तो उसे आप डिफॉल्ट 1 सेट कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट वहाँ पे आपने सेट किया है 1, तो कंपाइलर क्या करेगा, देखेगा कि अगर यूजर ने प्रोवाइड नहीं किया है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। व्हेन फंक्शन ओवरलोडिंग इज डन अलोंग विद डिफॉल्ट वैल्यूज देन वी नीड टू मेक श्योर इट विल नॉट बी एम्बिगुअस। तो इसका ये मतलब है कि जब आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग पर भी मेरी एक वीडियो है, अगर आपको नहीं पता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या कंसेप्ट है तो आप वो वीडियो में जाके एक बार पढ़ सकते हैं। तो देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हमारा सेम नेम का फंक्शन होता है बट डिफरेंट उसके ऑगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो जब भी आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं तो उस टाइम पे फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं विथ डिफॉल्ट वैल्यूज, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं आए। एम्बिग्यूटी नहीं आए मतलब किस तरह से, इसका भी एग्जाम्पल मैंने आप पे आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए एम्बिग्यूटी नहीं है किस तरह से कि आपने उसमें जैसे दो पैरामीटर्स दिए हैं, इंटीजर इंटीजर और एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है वो भी इंटीजर टाइप की। नेक्स्ट सेम नाम के अपने फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो सेम नाम का फंक्शन बना और उसका आपने पैरामीटर दिया है इंटीजर इंटीजर एंड फ्लोट। तो इसमें भी आपने क्या किया है, सॉरी फ्लोट नहीं, इंट, इंटीजर 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 और इधर लास्ट वाला जो इंटीजर है उसे भी आपने डिफॉल्ट बनाया। तो अगर डिफॉल्ट दोनों अगर हम डिफॉल्ट बना दिए हैं उसे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि एम्बिग्यूटी आ सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि अगर एम्बिग्यूटी आती है तो आपको कंपाइलर एक एरर दे देगा कि यहाँ पे फंक्शन एम्बिग्यूस है। एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है एग्जांपल में, सबसे पहले इसमें मैंने हैश आईओस्ट्रीम तो इंक्लूड किया ही है। नेक्स्ट एक फंक्शन बनाया है जो कि कैलकुलेट कर रहा है सम। तो यहाँ पे इंट एक्स इंट वाई इंट जेड इज इक्वल टू जीरो एंड इंट डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स वाई तो हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि जिनकी वैल्यू तो प्रोवाइड करना नेसेसरी है, बट यहाँ पे जो जेड इज इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो ये लिखा हुआ है, ये हमारे क्या है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है। तो देखिए फंक्शन क्या कर सकता है, दिस फंक्शन मीन्स ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट, आप इसमें अगर दो वैल्यू पास करेंगे तो भी चलेगा, तीन वैल्यू पास करेंगे तो भी चलेगा और चार वैल्यू पास करेंगे तो भी चलेगा, बट अगर आपने इसमें एक वैल्यू पास की है तब उस टाइम पे एरर आएगी। तो आगे देखिए मेन फंक्शन में क्या लिखा है मैंने, सी आउट सम इज सम 10, 15। तो इसमें क्या होगा, एक्स को असाइन हो जाएगा 10, वाई को असाइन हो जाएगा 15 और अंदर कैलकुलेशन होगी तो एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 15 है और जेड के बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा 0 और डब्ल्यू की भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा 0। तो इससे हमारा सम आ जाएगा 25। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि यहाँ पे सी आउट सम 10, 15 एंड 25। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी 10, वाई की वैल्यू 15 एंड जेड की वैल्यू जो कि 0 थी डिफॉल्ट, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है 25 एंड अगेन W की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास,
50 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सी आउट सम 10, 15, 25, 30। तो यहाँ पे क्या होगा, x को असाइन हो जाएगा 10, y को 15, z को 25 एंड w को 30। तो यहाँ पे हमारे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 80। तो आउटपुट में आया सबसे पहले वाले स्टेटमेंट की वजह से 25, सेकंड स्टेटमेंट की वजह से 50 एंड थर्ड स्टेटमेंट की वजह से 80। तो इस तरह से हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं। पिछले एक उसमें मैंने आपको बताया कि एम्बिग्यूटी आ सकती है, तो कैसे आ सकती है, चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है, यहाँ पे बेसिकली ओवरलोडिंग यूज की गई है, ओवरलोडिंग विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन का नाम सेम है, इसलिए ये फंक्शन ओवरलोडिंग है एंड इनके पैरामीटर्स का टाइप डिफरेंट है। तो पहला है सम, इंटीजर टाइप का, एंड इसमें हमारे वैल्यूज हमने दी है x, y, z एंड w, जो कि सब इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, और यहाँ पर z और w हमारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं, और ये रिटर्न क्या करता है, चारों का सम। नेक्स्ट हमने फंक्शन अगेन सम नाम से बनाया है, बट यहाँ पे z एंड w जो है वो उनका रिटर्न टाइप फ्लोट है, और ये अगेन रिटर्न क्या करता है, चारों का सम। तो मेन मेथड में हमने क्या किया है, सी आउट सम 10, 15। तो अब यहाँ पे जब मैंने किया है 10, 15, 10 भी मेरी इंटीजर वैल्यू है, 15 भी मेरी इंटीजर वैल्यू है, और इसमें अब वो कौन से वाले सम को कॉल करेगा। फर्स्ट जो हमने मेथड लिखा है सम, जिसमें दो चारों वैल्यूज इंटीजर हैं, या सेकंड वाला जिसमें दो इंटीजर है, जैसा कि हमने इसमें कॉल किया, कॉल करते वक्त दो इंटीजर पास किए हैं और बाकी की दो फ्लोट हैं, तो बताइए कि इसमें कौन सा वो कॉल करेगा। तो इससे क्या होगा कि कंपाइलर में एक एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि वो कौन सा मेथड कॉल करे, कौन से मेथड को वो कॉल करे, तो इसलिए यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी हुई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सी आउट सम 10, 15, 25। यहाँ पे 10 इंटीजर वैल्यू, 15 इंटीजर वैल्यू एंड 25 इंटीजर वैल्यू। उसके बाद लिया है हमने सब चारों वैल्यूज इंटीजर ही ली है। देखिए यहाँ पे फिर एरर क्या आती है वो देखते हैं। तो अब नोट कीजिए कि एरर कैसी है, मेन मेथड में आई है हमारी एरर। क्या एरर आई है यहाँ पर, कि सम इंट कॉमा इंट इज एम्बिगुअस। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट हमने करवाया है कंसोल पे प्रिंट करने के लिए और फंक्शन को कॉल किया है सम विथ टू इंटीजर वैल्यूज, तो वहाँ पे एम्बिग्यूटी आ रही है, और क्यों आ रही है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब नेक्स्ट वाला जो है उसमें क्या एरर है, इंट सम जो हमने अब यहाँ पे आपने चारों वैल्यूज इंटीजर ली है, तो क्यों एरर आ रही, क्योंकि यहाँ तो मैंने इसको क्लियर है कि हाँ ऊपर वाला ही यूज करना है, नीचे वाला क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि फ्लोट का जो फ्लोट डेटा टाइप है इसका साइज इज ग्रेटर देन इंटीजर, तो ये उसके फ्लोट जो है वो इंटीजर वैल्यूज को भी होल्ड कर सकता है, इसलिए यहाँ पे एरर आएगी। एंड सेम यही केस है हमारे थर्ड स्टेटमेंट में। तो जब भी हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बनाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं आए जब हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स विथ ओवरलोडिंग यूज करते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्या क्या हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टेंट आर्गुमेंट्स, एज कॉन्स्टेंट आर्गुमेंट्स कैनॉट बी चेंज, वेयर एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कैन बी ओवररिटन इफ रिक्वायर्ड। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, डिफॉल्ट वैल्यूज जीरो प्रोवाइड की थी, बट कॉलिंग के टाइम पे हम उसकी वैल्यूज चेंज कर दे रहे थे। लेकिन जो कॉन्स्टेंट आर्गुमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई कॉन्स्टेंट आर्गुमेंट बनाया, उसकी वैल्यू आपने फिक्स कर दी है, तो वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सो डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड कॉन्स्टेंट आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर ओवररिटन व्हेन कॉलिंग फंक्शन प्रोवाइड्स वैल्यू फॉर देम। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर ओवररिटन व्हेन कॉलिंग फंक्शन प्रोवाइड्स वैल्यूज फॉर देम।
क्या होता है कि जब आप इसमें जो कॉलिंग फंक्शन है जहाँ पे आप कॉल करते हैं वहाँ पे आप वैल्यू जब प्रोवाइड करते हैं तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट की जो वैल्यूज है वो ओवरराइट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जेड जेड जैसे यूज किया था, डब्ल्यू यूज किया था, उसकी वैल्यू हमने बाई डिफॉल्ट जीरो दी थी, तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है, उसकी वैल्यूज अपडेट हो जाती है वहाँ पे। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग फंक्शन सम जो दिया था 10, 15, 25, 30 वो क्या ओवरराइट कर रहा था, z की वैल्यू और w की वैल्यू, z की वैल्यू 25 और w की वैल्यू 30। तो अब देखिए ड्यूरिंग कॉलिंग ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन आर कॉपीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप कॉल करते हैं, जब भी आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स यूज करते हैं तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जब डिफॉल्ट आर्गुमेंट में आपने तीन पैरामीटर्स पास किए हैं तो अगर आपने पहले के दो आर्गुमेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपने पहले के दो आर्गुमेंट्स की दो आर्गुमेंट्स में से पहला आपने तो ठीक है उस नॉर्मल नॉर्मल आर्गुमेंट की तरह दिया, लेकिन सेकंड आपने डिफॉल्ट दिया तो थर्ड भी आपको डिफॉल्ट देना पड़ेगा। आप उसे उसे बिना डिफॉल्ट के नहीं रख सकते, बिना डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड के नहीं रख सकते, क्योंकि फिर वो एरर आ जाएगी। अगर आपने दो वैल्यूज अगर आपने फर्स्ट को और थर्ड को कोई वैल्यू आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड की है तो जो बीच में है मिडिल में सेकंड वाला उसे आप डिफॉल्ट नहीं बना सकते। आपको किस तरह से करना है कि लेफ्ट टू राइट आपको वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। तो ये इस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि ड्यूरिंग कॉलिंग ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन आर कॉपीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे कि यहाँ पे सम में 10, 15, 25 है तो ये क्या होंगे, एक्स वाई जेड को इस तरह से असाइन होंगे कि एक्स को 10, वाई को 15 एंड जेड को 25। देयरफॉर डिफॉल्ट वैल्यूज इज यूज्ड फॉर W नहीं, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो क्या होगी वो सिर्फ W के लिए यूज होगी। पर अगर आपने W को डिफॉल्ट बनाया है और Y को डिफॉल्ट बनाया है पर Z को डिफॉल्ट नहीं बनाया है तो एरर आ जाएगी। Once डिफॉल्ट वैल्यू इज यूज्ड फॉर एन आर्गुमेंट इन द फंक्शन डेफिनेशन ऑल द सब्सिक्वेंट आर्गुमेंट टू इट मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। तो जो मैंने पॉइंट बोला ये वही मैंने आपको नोट करवा दिया कि अगर आपने एक बार डिफॉल्ट वैल्यू किसी आर्गुमेंट में आपने दे दी है तो उसके बाद की जो भी सब्सिक्वेंट आर्गुमेंट्स है उन्हें आपको डिफॉल्ट वैल्यू ही बनानी पड़ेगी। इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर असाइंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग फंक्शन डेफिनेशन इज इनवैलिड एज सब्सिक्वेंट आर्गुमेंट ऑफ डिफॉल्ट वेरिएबल जेड इज नॉट डिफॉल्ट। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है जिसमें कि जेड की वैल्यू हमने क्या किया है, डिफॉल्ट दिया है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, यहाँ जैसे मैंने लिखा है इंट सम, इंट एक्स, इंट वाई, फिर मैंने क्या किया जेड को डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया है और उसके बाद में मैंने क्या किया है डब्ल्यू डिफाइन किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे जेड को डिफॉल्ट बना रही हूँ तो मुझे डब्ल्यू को भी डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा। नहीं तो मुझे क्या करना है कि सिर्फ एक को ही डिफॉल्ट बनाना है तो आपको लास्ट वाला जो है उसको ही आप डिफॉल्ट बना सकते हैं, ऐसे मिडिल में किसी को डिफॉल्ट आप नहीं बना सकते। तो ये हमने तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एम्बिग्यूटी किस तरह से आती है, उसका एक प्रोग्राम डिस्कस किया और क्या एरर आ सकती है वो हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक नया टॉपिक, C++ का कुछ एक नया कंसेप्ट डिस्कस करूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपने मेरा चैनल इन्फोबाइट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।